हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। और जो न्यू एस्पिरेंट, न्यू स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर इस चैनल के साथ अटैच हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये एक बुक है जो डेडिकेटेड है आपके रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सभी क्वेश्चंस आपके काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इसको एज ए रियल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करें, वीडियो को वॉच करें, अपनी काउंटिंग 1 से लेकर 45 तक A4 पेज पर लिखें, और जो भी स्कोर बनता है केवल अपने आप से पूछिए कि आपको कहाँ पर आपकी कमी रह गई, कितनी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। माइट बी मे बी शायद कि मैं कमेंट बॉक्स डिसेबल कर दूं इस वीडियो का, क्योंकि कमेंट्स एक्चुअली काम के कोई नहीं आते हैं। दूसरे चैनल वाले अपने लिंक को कमेंट्स के माध्यम से प्रमोट करते हैं, या फिर कुछ एजेंट हैं जो एजेंट नहीं हारे हुए खिलाड़ी हैं जो दूसरे की ज्वाइनिंग के लिए नालायक बच्चों को या फिर भोले भाले बच्चों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ समय पहले छोटी सी घटना हुई थी इस चैनल पे कमेंट के माध्यम से कि सर, मैं उसने मुझसे ये बोला कि 5 तारीख का एग्जाम है, कमेंट के माध्यम से कि सर कोई जुगाड़ है। इतने में दूसरा किसी स्टूडेंट ने उसको रिप्लाई करा कि हाँ मेरे पास जुगाड़ है, कॉल में। उनकी फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से चैट थोड़ी शुरू हुई, उसके बाद में शायद उनकी चैट को पढ़ने के बाद में मैंने ये डिसाइड करा कि इनका फोन पे बात हो चुकी है, पैसों का लेन देन तक पहुंच चुका है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अब वो जमाने लद गए कि पैसे दे करके सोर्स करके कोई आपकी ज्वाइनिंग करवा दे। तो यार ये मूर्ख वाले काम नहीं है, सब चीज फेयर हो रहा है, आप सामने देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो आप अभी भी इस अंधविश्वास के साथ जी रहे हैं कि कोई बंदा आपकी जॉब लगवाएगा, तो जो जॉब लगवाने वाला है ना उसको बोलो कि पहले अपनी जॉब लगवा ले भाई, ठीक है ना। बाकी ठीक है, पैसा आपके पास में है फंसाने के लिए तो फंसाइए, ऑल द बेस्ट इसके लिए भी। अगर लग जाए जॉब तो बहुत अच्छी बात है, बता देना मुझको भी जॉब लग गई ऐसे, ठीक है। बहुत देखे मैंने भी ऐसे जॉब लगवाने वाले, बहुत देखे मैंने पैसा लेके भागने वाले। अब आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस अपना लीजिए, फंसिए और पैसा फंसाइए, और बाद में ओ माय गॉड ये सेंटेंस 15-20 बार बोलते रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, जो मैंने कमेंट बॉक्स डिसेबल करा है, मैंने ऐसे लोगों के लिए डिसेबल करा, बाद में पैसा आपका फंसता है, फिर बाद में आप ब्लेम करते हैं इस चैनल को कि सर इस चैनल के माध्यम से मैं उससे जुड़ा। तो ब्लेम प्लीज मुझको मत करिएगा, मेरा काम आपको आगाह करना था, चेतावनी देना था, एक्चुअली वो मैंने दिया आपको। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अटेम्प्ट करिए। पहला है आपका APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर कल्पना चावला। तो बात कह रहा है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका विक्रम साराभाई, और जो APJ अब्दुल कलाम है वो है आपके मिसाइल मैन। पॉइंट नंबर 2 है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी है? स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, इटली। पॉइंट नंबर 2 राइट आंसर है इसका सी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540, 550, 563 और 580। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, आकाश मिसाइल मार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, जमीन से हवा में, हवा से जमीन पर। तो 5 का राइट आंसर होगा आपका जमीन से हवा में। पॉइंट नंबर 6 है, प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1785, 1795। 6 का राइट आंसर है 1757। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1761 एंड 1784। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1905, 1906, 1907, 1908। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर बी, 1906 में। पॉइंट नंबर 9 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई। पॉइंट नंबर 9, राइट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि। पॉइंट नंबर 10, राइट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ए, बी, सी, डी। देखिए वॉर फर्स्ट और सेकंड आपको होने चाहिए याद। सेकंड तो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक के बीच में। बात कर रहा है प्रथम की, तो प्रथम का जो राइट आंसर है अब तक आपने निकाल लिया होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, 1914 से लेकर के 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से हवा में, हवा से हवा में, या फिर हवा से पृथ्वी पर। पॉइंट नंबर ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, हवा से हवा में। पॉइंट नंबर 13 है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, सतीश धवन को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। पॉइंट नंबर 13 का राइट आंसर है आपका डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। पॉइंट नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। पॉइंट नंबर 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है 1920। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिए ले लिया? 1915, 1920, 1922, 1924। तो 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, 1922 में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरीन, राकेश शर्मा, एलेक्सी लियोनोव, या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 16 सही जवाब होगा इसका आपका ए, यूरी गागरीन। क्वेश्चन नंबर 17। सख संवत कब शुरू हुआ था? 58 में, 72, 78, 219। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका 78 ईस्वी में। देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शंस ए नहीं बोलना है, ना मन में ना सामने किसी के पढ़ते समय। जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपको ए बी, ए 1915, बी ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। पहली बात तो ऑप्शंस ए बी सी डी को माइंड से निकाल दो, केवल आपको डायरेक्ट फोकस करना है उसके ऑप्शन जो दिए गए हैं एग्जैक्ट उस पर। इस तरह से क्या होगा, आपका समय बचेगा पहली बात तो ये, और एग्जाम में समय ही आपको कम मिलता है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना तो उसको सेकंड जो उसके लिए चैलेंज होता है वो होता है समय कैसे मैनेज करें, और जो फ्रेशर है उनको ये होता है कि अपना सिलेबस कैसे पूरा करें। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, इस पे अभी से आप फोकस करिए। पॉइंट नंबर 18 कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र, नाग। पॉइंट नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा आपका नाग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चीन की क्रांति कब हुई थी? 1905, 1911, 1921, 1924। 19 का राइट आंसर है आपका बी, 1911। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1974, 1980, 1988, 1995। 2020 का राइट आंसर है आपका सी, 1988। क्वेश्चन नंबर 21, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1761, 1556, 1526, या फिर 1514। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर है इसका 1526। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। हाँ 23 हमारे सामने है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1962, 1964, 1970, 1975। 23 का राइट आंसर आपका 1975। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। 24 का राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1757, 1765, 1789, या फिर 1813। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, 1789। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा। 26 का राइट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, त्रिवेंद्रम, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में? विक्रम साराभाई और सतीश धवन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये। दोनों को ही ध्यान से देखना, इसको कहीं पे नोट कर लेना। अगर बुक आपके पास में है तो बुक में आप दोनों में कोई ऐसा मार्किंग कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, जी हाँ, त्रिवेंद्रम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? डेनिस टीटो, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। 28, 28 का राइट आंसर है आपका डी, सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1911, 1789, 1917, 1951। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ और आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, आपको समय बहुत कम मिल रहा है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो देखिए इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि जीके में जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, उसको आगे बढ़िए। उसमें आपको सोच विचार करने के लिए आप लास्ट में जो आपके पास टाइम बचता है एग्जाम के तब सोचिए। अभी तो आप जीके में फटाफट स्पीड में अटेम्प्ट करिए हर एक क्वेश्चन, चाहे आपका रियल एग्जाम हो या फिर मॉक टेस्ट। बढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 30 की ओर, कि अर्जुन क्या है? अर्जुन एक तो वो था करण अर्जुन जो मूवी का था, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी एक का नाम था अर्जुन, तो वहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है यहाँ पे एक मिसाइल है, रडार है, जहाज है, फिर युद्धक टैंक है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, एक युद्धक टैंक। पानीपत का तीसरा वॉर कब हुआ था? 1520, 1526, 1556, 1761, 1761। 31, 31 का राइट आंसर रहेगा आपका डी, 1761। बढ़ते हैं आगे 32 की ओर, की ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1962, 1964, 1966, 1968। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका 1966। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 630, 622, 58, 78। 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका 622। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 34 के, तेजस क्या है? एक रडार, मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक। तो देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पढ़ने भी हैं। एक टैंक, तो एक आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? एक लड़ाकू विमान, एक इसमें पढ़ने की आपको आवश्यकता क्या है? तो ये आपको टाइम बचाना है इसमें पढ़ते समय भी, क्वेश्चंस को ये स्किल्स आप प्लीज डेवलप करिए, और इससे आप देखेंगे कि जीएस का जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसमें से कम 4 से 5 मिनट बचा लेंगे, और 4 से 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप किसी और सब्जेक्ट में यूज कर लीजिए, मैथ है, रीजनिंग है, वहां पे कर लीजिएगा यूटिलाइज। तो अभी से आप पढ़ने की स्किल्स डेवलप करिए। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, लड़ाकू विमान। क्वेश्चन नंबर 35, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761, 1556, 1526, 1514। 35, 35 का राइट आंसर है आपका बी, 1556। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? विक्रम सेठ, जॉन विलियम, कर्नल गद्दाफी या फिर डेनिस टीटो। 36, 36 का राइट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, कि त्राइन का युद्ध कब हुआ? 1191, 1192, 1194, 1198। 37, 37 का राइट आंसर है 1192 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1939, 1945, 1940, 1946, 1942 से 1948 तक के बीच में, 1944 से लेकर के 1950 तक के बीच में। तो बात कर रहा है सेकेंड वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो ये है 1939 से लेकर के 1945 तक के मध्य हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पॉइंट नंबर 39, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उसका नाम बताइए, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश वर्मा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 39, 39 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था था कौन सा था? लूना 5, लूना 9, अपोलो 10, अपोलो 11। तो 14 का जो राइट आंसर है 40 का वो है आपका अपोलो 11। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1932, 1929, 1931। 41, 41 का राइट आंसर है आपका डी, 1931। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942, 1932, 1600 या फिर 1946। देखिए 1600 तो हो नहीं सकता किसी भी एंगल से, बचे तीन ऑप्शंस। 42, 42 का राइट आंसर है आपका 1942। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 78, 58, 78, 58। तो देखिए ईसा पूर्व और ईसवी दे रहा है यहाँ पर, तो आप चीज
ये ध्यान देना है इसमें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना चाहता है वो आपको एग्जामिनर, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका एक्चुअली 58 बी। अगला क्वेश्चन है आपको, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश वर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फिर तेरेस्कोवा? 44 का राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, देहरादून, अहमदाबाद? तो 45 का राइट आंसर है आपका सी, देहरादून। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपका स्कोर क्या है आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको मिलता है कमेंट बॉक्स डिसेबल तो आप ट्राई मत करिएगा, आगे मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि मुझको पता है कि अगर मैं कमेंट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूँ तो कुछ लोगों का इसमें नुकसान भी है, लेकिन 1000 में से केवल 10 ही कमेंट्स जो होते हैं काम के होते हैं। अब बताइए कि मैं उन 10 कमेंट्स के लिए अगर मैं 1000 कमेंट्स पहले पढ़ता हूँ तो सोचिए मेरा समय कितना वेस्ट होता है। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे बहुत सारी होती है, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी है, जॉब भी करनी है, आपकी रिकॉर्डिंग भी करनी है, बहुत सारे काम उसके अलावा कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाते हैं जो करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी कोई भी राय होती है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा unnatyclassesucc@gmail.com पर। और फालतू जो लोग कमेंट्स करते हैं मुझे पता है कि वो इतना कष्ट नहीं करेंगे कि मुझको मेल करें, क्योंकि उनका प्रमोशन मेल पे नहीं हो सकता, वीडियो हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।